मैं एज़ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मेरी तीसरी विजिट है। इससे पहले मैं 2010, 2014 और 14 के बाद अब आ रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात है, हम टाइगर की बात कर लें, एलिफेंट्स की बात कर लें, राइनोज़ की बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। यदि हम 2008, 9, 10 और अब के समय को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। टाइगर्स की संख्या लगभग 50 से अधिक हो गई है, राइनो भी लगभग 50 हैं, एलिफेंट 250 से ऊपर हो गए हैं। तो ये एक, और बंगाल फ्लोरिकन एक वन बहुत रेयर स्पीसीज है, और उसका भी संरक्षण कार्य बहुत अच्छा हो रहा है। तो मानस तब और अब में बहुत ज़्यादा सुधार नज़र आ रहा है। टाइगर सेंसस नहीं, लेटेस्ट टाइगर सेंसस इसकी रिपोर्ट मैं अभी तो नहीं बता सकता। हम 29 जुलाई ग्लोबल टाइगर डे के दिन जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मनाया जाएगा, उसमें इसकी रिपोर्ट टाइगर रिजर्व वाइज, स्टेट वाइज, इस नंबर को वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। लास्ट 6 मंथ में मानस का पानबारी इसमें टोटल 3 टाइगर का पोचिंग हुआ है। नहीं, अब देखिए टाइगर इसका मतलब, हाँ ये टाइगर का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़ा इंसिडेंट है। टाइगर का पोचिंग हुआ, इसका मतलब पोचिंग के जो गैंग्स हैं या जो गांव वाले जो भी पोचिंग करते हैं, दे आर एक्टिव, और ये एक चिंता का विषय है। और इसके लिए सुरक्षा, पेट्रोलिंग, सभी संसाधनों की ज़रूरत है। आज मानस में लगभग 70% जो पोस्ट है वो खाली है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। यानी आपने एक इतना बड़ा क्षेत्र, टाइगर भी हैं, राइनो भी हैं, और स्टाफ की कमी है, ऐसे तो काम नहीं चल सकता। तो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी यहाँ पे होनी चाहिए कि जो भी वैकेंसी है उसको इमिडिएटली भरा जाए। जहाँ तक भारत सरकार की बात है, तो हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तरफ से हर तरीके का सहयोग, यानी पैसा चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, गाड़ियों की ज़रूरत है, वो हम सब देने को तैयार हैं मानस के इसके विकास के लिए। तो मैन पावर जो कम है ना, ये बहुत निगेटिव है। हाँ, मैन पावर बढ़ने के लिए क्या स्टेप? नहीं, इसके लिए हम जाके अब स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे काउंसिल उसको एक लेटर लिखेंगे कि बिना मैन पावर के तो इतने बड़े पार्क को संभालना संभव नहीं है। मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। जब मैन पावर होगा तो उसकी ट्रेनिंग चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, उनको पेट्रोलिंग कैसे करना है, इंटेलिजेंस कैसे कलेक्शन करना है, इन सब की प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। तो लेकिन सबसे पहले मैन पावर तो जगह में होनी चाहिए। नहीं, यानी अभी इतनी जल्दी ये कहना संभव नहीं है। ये तो पोचिंग एक्टिविटी, जैसे आपने 3 टाइगर का बताया, आपने पोचिंग हुआ, एक राइनो की भी यहाँ पे पोचिंग हुई है। तो मैंने बताया जो समस्या है यहाँ पे कि 70% पोस्ट वैकेंट है, एरिया पूरा खोला हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो यहाँ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। और रेगुलरली प्रोटेस्ट हो रहा है ठीक, किस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट? कोचिंग के बारे में। तो कोचिंग के बारे में वो एक दिन में तो समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि वैकेंसी की बात है, रिसोर्सेज की बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात है, ट्रेनिंग देने की बात है, तो ये सब इस पर कार्य होगा। मैं जाके इस पर राज्य सरकार को और काउंसिल को इसके बारे में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में पत्र लिख के उनसे कार्य करने की, जो एक्शन लेने की रिक्वेस्ट करेंगे, है ना। ये तो देखिए, ये ओपन ट्रेजर है, ये सब खुला हुआ है। यदि संसाधन कम होंगे तो प्रोटेक्शन कैसे हो संभव है? और ये ह्यूमनली आप जाके देखिए कितने घने जंगल हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई सी भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए कि हर जगह पे आदमी प्रेजेंट रहे और कुछ भी ना हो, संभव नहीं है। तो यदि गलती हुई है या ऐसी कोई घटना हुई है तो उसको, उस पर सुधार करने की गुंजाइश है और वो करना चाहिए। अभी जो जो पॉपुलेशन राइनो की है बहुत अच्छा कर रही है। तो मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार के हिसाब से अभी ट्रांसलोकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसका कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, संवर्धन वो करने की ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं। मानस के लिए एक और PCCF वाइल्ड लाइफ हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, डायरेक्टर साहब, इनसे बात हो रही थी कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरा सुझाव है, इनसे भी चर्चा हुई और ये भी सहमत है इस बात से कि मानस के आसपास एक बहुत अच्छा सफारी बनाने की ज़रूरत है। सफारी, एक फेंसिंग वाला सफारी, और इस सफारी में राइनोज, टाइगर्स, लेपर्ड और हर्बीवोर के इनक्लोज़र होंगे, और इससे लगातार इसमें पर्यटन हो सकता है बिना किसी रोक रुकावट के, है ना। टाइगर रिजर्व के अपने नियम कानून होते हैं, उसका पालन करना ज़रूरी है।
क्योंकि जैसे मूलधन होगा तब आप इंटरेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। यदि यहाँ पे राइनो है तब टूरिज्म आएगा, यहाँ पे टाइगर है तो टूरिस्ट आएंगे, लेकिन राइनो और टाइगर में ही यदि उसकी सुरक्षा में प्रॉब्लम है तो टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मानस टाइगर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क, इसका प्रोटेक्शन ये बहुत अच्छे से काम करे और अच्छा काम कर भी रहे। जैसे मैंने बताया कि पिछले कई विगत वर्षों में इसमें टाइगर्स की संख्या में, राइनोज की संख्या में, एलिफेंट की संख्या में, बंगाल फ्लोरिकन की संख्या में बहुत अच्छी वृद्धि हुई, बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब जो कंजर्वेशन का कार्य हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ाने के लिए जैसे मैंने कहा कि उसके दूसरे तरीके हैं, एक बढ़िया एक सफारी बनाकर उसका ये प्रस्ताव यदि देते हैं, हमें राज्य सरकार देती है तो हम उसके लिए सहमत होंगे और एक वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा पर्यटन को बढ़ाने के लिए। और टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं, इन्होंने जो भी बातें बताई वो मैंने भी सुना, इन्होंने मुझसे बात भी की है कि मानस टाइगर रिज़र्व को और अच्छी तरीके से काम करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है भारत सरकार उसमें से काफ़ी कुछ मदद करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा जो इनका सुझाव आया था जो जिसके लिए हम लोग काम करेंगे वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सफारी हम लोग पार्क बना सकते हैं, जिससे कि मानस पर जो टूरिज़्म या पर्यटन का जो लोड या बोझ आता है उसको कम कर सकते हैं और जो टूरिज़्म की जो मांग है यहाँ पे असम प्रदेश में उसके लिए बहुत अच्छा वो एक चीज़ साबित हो सकता है, जिसमें कि जैसे उन्होंने कहा कि उसमें टूरिज़्म लगातार हो सकता है, उसमें बिना रोक टोक करके टूरिज़्म हो हम लोग करेंगे और उसमें भारत सरकार ने कहा है कि वो यथासंभव फ़ंड के तरीके से या बाकी और जो भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए मदद करेंगे। हमें इनको एक प्लान बना के देना है और जिसके लिए हम काफ़ी जल्दी भारत सरकार को एक सफारी का प्लान बना करके देंगे। तो ये और भी भारत सरकार का ध्यान मानस पे काफ़ी ज़्यादा रहा है, काजीरंगा पर भी रहा है, लेकिन सबसे बड़ी जो एक ड्रॉबैक मैं कहूँगा वो है, जैसा कि आपको बताया गया यहाँ पे हम केवल 30-35% स्टाफ के साथ हम काम कर रहे हैं। द मेन प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ मैन पावर एंड द मैन पावर इज लैकिंग वेरी इंटेंसली, ओनली 30-35% यू नो आर देयर ऑफ दिस सैंक्शन पोस्ट। आपको ये भी पता होगा कि अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के का जो विज़न है उसको पूरा करते हुए हम पूरे असम सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उसमें देयर हैज़ बीन अ मास रिक्रूटमेंट ड्राइव एंड इन दैट ड्राइव द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो गॉट सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स एंड फॉरेस्टर्स विच आर द फ्रंट लाइन स्टाफ विच एक्चुअली गिव्स द रियल प्रोटेक्शन टू द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। इसमें से मानस में, चूँकि मानस बोडोलैंड काउंसिल में पड़ता है, हम मानस में हम उसको पोस्ट करने की स्थिति में नहीं रहे क्योंकि शायद यहाँ पे काउंसिल का ये मत है कि यहाँ उनके अपने जो उनका खुद का जो रिक्रूटमेंट किया हुआ जो स्टाफ है वो यहाँ आएगा। अभी आज और कल हमारे साथ जो चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो काउंसिल में हैं वो थे हमारे साथ और उन्होंने ये संकेत दिया है कि एक दो महीने के अंदर काउंसिल भी रिक्रूटमेंट करेगी, तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। काउंसिल अगर रिक्रूटमेंट करती है फ्रंट लाइन स्टाफ का, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड का, तो हमारे लिए ये एक एक्चुअली मानस के लिए वरदान साबित हो सकता है। ये वैसी समस्या का समाधान कर सकता है जिससे हम लगातार जूझ रहे हैं। और जहाँ तक आपका जो ध्यान इस तरफ है, जो मैं जानता हूँ, जो कि अभी रिसेंटली पोचिंग हुआ है राइनो का, ये पोचिंग हुआ है इसमें तो कोई संदेह नहीं है और हमें हॉर्न मिला भी नहीं है, और इस तरह के जो पोचिंग करने वाले ग्रुप हैं उसके लिए और उसको तलाश करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट विद द असम पुलिस एंड the solution to stop such poaching, I will say that the poaching of rhinos have not been quite frequent. So there has been a poaching which was found out on 27th,
और जिसके चलते कुछ आवाज़ें भी उठ रही थी। लेकिन जहाँ तक मानस का सवाल है, मानस नेशनल पार्क ने पिछले विगत वर्षों में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एक कोचिंग हो जाने से हम ये कह सकते हैं कि मानस में कोई बहुत बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई है स्टाफ को छोड़ करके। करेक्ट। सो देर हैज़ बिन क्वाइट आई मीन सब्सटेंशियल एंड गुड अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज़ बिन गिवन टू द नेशनल पार्क डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव बिन लैकिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ वेरी बैडली। सो आई विल इन दैट सेंस आई विल प्रेज द वॉट एवर द स्टाफ आर प्रेजेंट इन मानस फॉर देयर डेडिकेशन एंड द ड्यूटीज दैट दे हैव रेंडर्ड। मैं ये आशा करता हूँ कि रिक्रूटमेंट जल्दी होगा काउंसिल की तरफ से और यहाँ पे स्टाफ आएंगे और हमारा प्रोटेक्शन और भी बढ़ेगा। जहाँ तक फंड का सवाल है, पिछले साल भारत सरकार ने अपने फंड को काफ़ी बढ़ाया है। 21-22 की तुलना में 23-24 में प्रोजेक्ट टाइगर में भारत सरकार ने काफ़ी पैसा ज़्यादा दिया है और इसके चलते काफ़ी काम यहाँ पे हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंग बनी है, एंटी पोचिंग कैंप बने हैं और हमारा जो फ्रेंच प्रोजेक्ट है जो फ्रेंच एजेंसी से फंडेड है उसके अंतर्गत भी काफ़ी बिल्डिंग्स बनी है। सो हम लोग कार्यरत हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग इस तरह काम करके और मानस की छवि को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे।